हेलो भाई, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सर्दी काफ़ी है और काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट में बोला था कि मशीन के बारे में बताओ कि मशीन की स्पीड क्या है, कैसे चलती है, कैसे सेट करते हैं। तो मैं आज आपको आज प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं कि मशीन को कैसे सेट करना। आप देख सकते हैं अभी बॉक्स में ही है क्योंकि मैं गया था बाहर प्रैक्टिस करने के लिए। अभी 2-3 दिन हुआ तो मैं आया हूँ, मुझे ही प्रैक्टिस करना है। तो अब प्रैक्टिस करना है तो निकालना ही पड़ेगा। फिर मैं आपको सब आज पूरा सब प्रोसेस बताता हूँ, कैसे क्या है, कैसे किसे ऑफिसिंग कर सकते हैं, इनस्विंग आउटस्विंग कैसे सेट होता है, ये बॉलिंग मशीन को कैसे सेट करना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ सेट करना। चलिए गाइस, हम आपको दिखाते हैं मशीन कैसे सेट किया जाता है। ये मेरा मशीन है, ये मशीन का स्टैंड है, तो इसमें मेरा आकाश मदद करेंगे तो आप आइए बैठ सकते हैं। मशीन बैठ सकते, स्टैंड को आप इसमें अंदर डाल देंगे, आप इसको स्कूल से टाइप कर देंगे आकाश का टाइप करेंगे। इसका भी नाम आकाश ही है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने मशीन का स्टैंड लगा दिया है। मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ कैसे क्या, मतलब इनस्विंग कैसे करना है। तो इनस्विंग खेलना है तो किधर करना पड़ेगा, आउटस्विंग आप देख सकते हैं ये है। जैसे आपको देखें इसको, आप पहले आपको अगर इनस्विंग खेलना है आपको तो आप इसको पहले ढीला कर देंगे, फिर अंदर कर देंगे साइड इस साइड राइट साइड कर देंगे तो आपका इनस्विंग के लिए हो गया। फिर आप यहाँ पे इससे आप टाइट अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपको आउटस्विंग खेलना है तो यहीं से आप इसको सर्च कर देंगे। अगर आपको स्पिन खेलना है, अगर लेफ्ट आर्म खेलना है तो आप पेस थोड़ा कम कर सकते हैं, 60-70 से खेल सकते हैं तो ये आपका स्पिन हो जाएगा। अगर वही आपको मीडियम पेस पे खेलना है, फास्ट खेलना है तो आप स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं तो ये आउटस्विंग आप इससे खेल सकते हैं। इसका स्पीड देख लीजिए आप 100 है, 22 यार्ड से 100 है, लेकिन अगर आप हाफ पिच से करते हैं तो 125, 130 हो जाता है। तो आप अपने पेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पिन खेलना है तो आप शुरू कर सकते हैं, अगर बैटिंग अगर आपको मीडियम पेस पे करना है, इनस्विंग में करना है तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देख आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा कैसे मैंने आपको करके बताया है। अभी मैं आपको बॉल डाल के भी दिखाऊँगा कैसे करना है। आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं। अगर आपको सीधी बॉल खेलनी है, आप कैसे स्विंग नहीं खेलना है तो आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। और नीचे ये है, इसको भी आप टाइट कर सकते हैं जिससे ये आप मशीन आपको बैटिंग करते समय रोटेट नहीं होगा। नीचे से पहले इसको टाइट कर दें। तो चलिए गाइस, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ आप स्पिन लेफ्ट आर्म और मीडियम पेस को इनस्विंग आउटस्विंग कैसे खेलते हैं। मैं आपको आज पूरी मतलब मशीन को ऑन करके भी दिखाऊँगा। गाइस आप देख सकते हैं अडाप्टर है, पहले इसको बताते हैं कहाँ पर लगाना है। आप देख सकते हैं ये यहाँ इसके नीचे, आप इधर दिखाइए नीचे, इसमें स्पेस है, आप यहाँ पे लगाना है। आप पहले इसको यहाँ पे लगा देंगे, इससे आप इसे टाइट कर देंगे, बस ये हो गया। फिर इसको प्लग को बोर्ड में लगा देंगे, डाउन हो गया। तो भाई चलिए मैं बताता हूँ आपको बॉल किधर से डालना है। आपको बॉल इसमें से डालना है, ऊपर से नहीं डालना। अगर ऊपर से डालेंगे तो मशीन टूट जाएगा, टूटने का चांस रहेगा। तो आपको बॉल इसमें से ही डालना है, मैं आपको दिखाता हूँ डाल के थोड़ा स्पीड करके। तो आगे जाओ, देखिए आपको बॉल यहाँ से डालना है, ऊपर से डालेंगे तो मशीन टूटने का चांसेस है। और इधर थोड़ा इधर आइए, आप इधर से भी डाल सकते हैं अगर कैचिंग करना है तो। अगर आपको कैचिंग करना है तो आप इधर इस साइड से डाल सकते हैं।
ये बॉल थोड़ा हाइट पे जाती है तो मैं कैचिंग करता हूँ तो इधर से करता हूँ, या बैटिंग प्रैक्टिस या कीपिंग करता हूँ तो मैं इधर से बैटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपको मैं गाइस बता दिया बॉल किधर डालना है, चलिए फिर मैं आपको वेरिएशन दिखाता हूँ उसमें क्या क्या वेरिएशन है। पहले मैं इसका स्पीड 80 पे कर देता हूँ। पहले मैं आपको स्ट्रेट बॉल करके दिखाऊंगा। आकाश थोड़ा उधर चलिए, बॉल देते रहना इससे आप अपना लेंथ पे बस सेट कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे अगर आपको आगे खेलना है, आगे की बॉल खेलना है तो आप थोड़ा इसको पीछे कर देंगे, अगर शॉर्ट पिच खेलना है तो आप इसको थोड़ा डाउन कर देंगे। आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा अभी आगे बॉल के लिए करता हूँ, देखते हैं कहाँ जाती है ये स्ट्रेट बॉल। इसका स्पीड अभी धीमा है, आप अपने हिसाब से स्पीड इसको मेंटेन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बॉल स्विंग नहीं होगा, सीधे ही आएगा। फिर आपको मैं आउट स्विंग करके दिखाता हूँ, आउट स्विंग बॉल कैसे करना है। आप देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना, बस यहीं से इसको थोड़ा ढीला करके आपको इधर कर देना है, इससे आपकी बॉल आउट स्विंग होगी। आपको जितना स्पीड खेलना है अपने हिसाब से आप स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। मैंने काफ़ी तेज कर दिया है, इस बार तेज आएगा देखना। ये आउट स्विंग के लिए देखिए, आप बहुत आउट स्विंग हो रहा है, थोड़ा आगे का प्लेन था, मैं थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ आपको। बोल देना भाई, देखिए आप कितना तेज आउट स्विंग हो रहा है। ऐसे ही आप आउट स्विंग फिर इन स्विंग कर सकते हैं। मैं आपको एक दो बॉल इन स्विंग करके दिखाता हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना, बस साइड चेंज कर देना है, साइड कर देना है, फिर थोड़ा यहाँ से थोड़ा टाइट कर देना है। देखिए आप देख सकते हैं कितना तेज इंसिंग हो रहा है, ये इंसिंग हो गया। फिर आपको अगर आपको ऑफ स्पिन खेलना है तो आपको स्पीड थोड़ा यहीं से आप स्पीड कम कर सकते हैं, फिर ऑफ स्पिन खेल सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मैंने स्पीड कम कर दिया, अगर आपको ऑफ स्पिन खेलना है तो आप स्पीड कम कर दें अपने हिसाब से, 60-70 कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। फिर देखिए आपका बॉल स्लो हो जाएगा। ऑफ स्पिन के लिए आप अपने हिसाब से लेंथ आगे पीछे कर सकते हैं, जो आपको खेलना है स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको जहाँ जो लेंथ खेलना है, जैसे आगे बैटिंग करना है, बैकफुट करना है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट आर्म कैसे खेलना है। बस कुछ नहीं, ऐसे ही करना है, आप लेफ्ट आर्म सेफ्ट आर्म में साइड कर देंगे और स्पीड अपने हिसाब से मेंटेन कर लेंगे। आगे या पीछे जहाँ खेलना है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो गाइस आप देख, आपको मैंने सारी डिलीवरी करके दिखा दी है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मशीन है, आप इसको ले सकते हैं, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी मशीन है ये, मैंने इससे बहुत प्रैक्टिस किया है। अब मैं फिर अब घर पे आ गया हूँ, तो मैं घर पे रहता हूँ तो फिर इसी से प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी एक दो दो घंटे लगातार मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ नहीं होता। आप बहुत अच्छी मशीन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार। गाइस मैं तो दो तीन बॉल इनको बैटिंग कराऊँगा, सुनील को ये बैटिंग करेंगे इन स्विंग पे। चलिए थोड़ा फास्ट आएगा, मैं सेट कर देता हूँ। स्पीड मैंने 85 किया है, 85 किया मतलब 115 आसपास है, समझ सकते हैं। यहाँ हाथ पीछे कर रहा हूँ, दो तीन बॉल बैटिंग कराएंगे। रेडी? तो गाइस आप देख सकते हैं पहली बॉल कितनी तेज अंदर आई है, जिससे सुजीत बीट हो गए हैं। इनको दो बॉल और मैं और खिलाने वाला हूँ, खेलना है इधर। हाँ अंदर आ रहा है, अंदर अंदर की रेडी, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम, थोड़ा स्पीड बढ़ाए हैं सब। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा अंदर आ रहा है, दो बॉल अब इनको आउट स्विंग में मैं खिलाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, फिर मैं मशीन को आउट स्विंग पे सेट कर रहा हूँ। आउट स्विंग है, देख सकते हैं गाइस आउट स्विंग। ये पहली बॉल फिर बीट हो चुका है, एक बॉल और खिलाएंगे आउट स्विंग पे, ये बीट नहीं होना। देख सकते हैं गाइस कितना तेज बाहर निकल रहा है, ये बीट हो जा रहा है। अब इनको मैं लेफ्ट आर्म पे खिलाऊंगा, यही स्पीड थोड़ा कम करके, दो बॉल लेफ्ट आर्म पे। हाँ तो गाइस अब इनको मैं स्पिन बैटिंग करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, बस स्पीड थोड़ा कम कर दिया है, लेफ्ट आर्म पे बैटिंग करेंगे। स्पिन है ठीक है, थोड़ा स्लो है, लेंथ थोड़ा पीछे है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। स्पिन खेलना है, बैकफुट डिफेंस कर सकते हैं। अब मैं दो बॉल ऑफ स्पिन खेला के दिखाऊंगा इनको, बॉल देना।
आप स्पिनिंग के लिए बस मैंने मशीन सेट कर दिया है, अंदर आएगा ना और स्पिन। देख सकते हैं गाइस अंदर आ रहा है, अपने हिसाब से आप पीस और लेंथ को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मेरा ये लेंथ थोड़ा पीछे है और एक बॉल और अच्छा अंदर देख रहे हैं आप, उसको बैटिंग खेलने बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मशीन को कैसे सेट करना है पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस वेरिएशन कैसे आप स्विंग कैसे करना है, कैसे इन स्विंग आउट स्विंग करना है, मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।